जय झारखंड, जोहार झारखंड। जितने भी साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं सभी को मेरा जोहार रहेगा। और आप सबसे आज मैं इस लाइव में जुड़ रही हूँ क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि बहुत कोई ऐसे हैं जेएमएम वाले लोग, ज़्यादातर जेएमएम वाले लोग, और भी बहुत कोई हैं ऐसे जो कि जगह जगह पे पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, और वो सब में वो लोग लिख रहे हैं कि बेबी मातों पे FIR दर्ज होना चाहिए, तो वो असंवैधानिक बोली है। तो मैं बता रही हूँ कि मैं कोई असंवैधानिक नहीं बोली हूँ, अगर बोली भी हूँ तो जाके उनसे ट्रोल करिए, उनको कहिए, अपने सरकार को, जो हमारे सरकार है हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या हमारे साथ स्टूडेंट के साथ जो हुआ क्या वो संवैधानिक था? जो स्टूडेंट शांतिपूर्वक अपना वहाँ बैठे थे और हमारे जयराम भैया हुए, देवेंद्र भैया हुए, ये लोग स्पीच दे रहे थे, सब छात्र सुन रहे थे, उन पर आके लाठी चार्ज करना, उनको उन पर आंसू, पहले तो आंसू का बम फोड़ना, फिर उसके बाद जब बच्चा भाग ना पाए फिर उस पर लाठी चार्ज करना, बच्चों का हाथ पैर तोड़ना स्टूडेंट का, क्या ये संवैधानिक है? ये कौन सा संविधान पे लिखा है? फिर उसके बाद बिना वजह का जयराम भैया को थाना ले जाना, ये कौन सा संवैधानिक है? ये तो कोई संवैधानिक नहीं है। फिर बिना स्थानीय नीति का ही नियोजन नीति बना देना, ये कौन सा संवैधानिक है? हमारा कोई स्थानीय नीति है ही नहीं और 740 का हमारा नियोजन नीति बना दे रहा, ये कहीं का संवैधानिक है? आप लोग खुद बताइए, नहीं है ये। और जब हमारे साथ इतना असंवैधानिक हो रहा तो ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा किसी को भी? जाके एक बार उनको कहिए, जाके सरकार से एक बार कहिए, जो ट्रोल कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं। और आप लोग एक बात ध्यान पे रखिए कि जितना आप लोग ट्रोल कीजिएगा ना उतना हमको मजा आएगा, क्योंकि हमको आपका ट्रोल से पीछे हटने वाले हम लोग है नहीं और आप लोगों की ये ट्रोल से हम लोग डरने वाले हैं नहीं। पूरा झारखंड के जितने स्टूडेंट हैं सब हमारे साथ हैं और उन्हें मालूम है कि मैं क्या की हूँ और क्या नहीं की हूँ, क्या संवैधानिक है क्या नहीं, कौन सा असंवैधानिक है। और किसी पे इतना अत्याचार किया जाएगा, किसी स्टूडेंट को इतना पीटा जाएगा, इतना मारा जाएगा, तो वहाँ एक तो स्टूडेंट पहले से प्रेशर में रहता, दबाव में रहता है कि कब हमको नौकरी मिलेगा। 8 घंटा 9 घंटा लाइब्रेरी में अपना रूम के अंदर घुस के पढ़ता है। वो स्टूडेंट के साथ अगर ऐसा होगा, फिर वो जब अपना मांगने जाएगा हक अधिकार अपना सरकार से, फिर उसको मार दिया जाएगा, उसका सिर फोड़ा जाएगा, हाथ तोड़ा जाएगा और पीठ पे ऐसा निशाना आ जाता है लकीर, एकदम जैसे कि रेड कलर से लकीर करो तो वो भी इतना गहरा नहीं आता ऐसे पूरा। ये फोटो सब आप लोगों को नहीं दिखता है? ये मार आप लोगों को नहीं दिखा? क्या ये संवैधानिक था छात्र को इस तरह से मारना? फिर रात को बोला जाता है कि लाइट, मतलब सारा मामला ये शांति करने के लिए, शांति करने के बाद फिर लाइट को एक ही साथ उस एरिया का ऑफ करके फिर छात्र को मारना, ये संवैधानिक है? लाइट ऑफ करके छात्र को चारों तरफ से घेर के मारना संवैधानिक है? ये कौन सा संविधान में लिखा है? जरा हमें भी तो बताइए कौन सा संविधान में लिखा है, फिर आप लोग आइएगा मुझे ट्रोल करने कि मैंने असंवैधानिक बात बोला है, क्योंकि ये असंवैधानिक बात बोलने के लिए आप ही लोग मजबूर किए हैं। और ये जो भी बात हुआ ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत कहा है, मैंने कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि आपने इतना पीटा तो ये सही था? छात्रों को इस तरह पीटना चाहिए, इस तरह मारना चाहिए? छात्रों ने क्या किया था? ये तो भी सिर्फ बात बोला गया ना, नेक्स्ट टाइम से आप लोग देख लीजिएगा क्या हो सकता है। और आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोग ट्रोल कीजिएगा तो मैं पीछे हट जाऊंगी, मैं पीछे हटने नहीं वाली हूँ। और मैंने पहले ही एक बात कहा था कि जो शेर होते हैं ना, शेर दहाड़ते हैं, शेरनी दहाड़ती नहीं है, सीधा पंजा मारती है, और ये पंजे की तरह लग गया ना। और जितना जेएमएम वाले लोग आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबको शेयर कीजिएगा। वो लोग हमेशा लिख रहे हैं कि FIR होना चाहिए, अगर मुझ पर FIR होगा ना तो उन लोगों पर भी FIR दर्ज कीजिए जिन्होंने छात्र का बुरा हाल किया है, छात्र को पीटा है, छात्रों का हाथ तोड़ा है, उन पर FIR दर्ज कीजिए। उन पर क्यों नहीं, लागू तो सब पर होना चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक जो करेगा उसके साथ सब पर FIR होना चाहिए। एक स्टूडेंट पर ही क्यों होगा? होगा तो सब पर होना चाहिए, वरना किसी पर नहीं। क्योंकि अगर संविधान पे आप लोग चल रहे हैं तो सब चीज संवैधानिक लेके चलिए। अगर आप लोग असंवैधानिक करेंगे, आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हम लोग तो कोई कुर्सी पे नहीं, हम लोग अपना हक अधिकार मांगने गए, हम लोग को मजबूर किया आप लोग, हम लोग को पीटे, हम लोग को डंडा मारे, किसी का हाथ तोड़े, किसी का पैर तोड़े, किसी का सिर फोड़े, फिर अभी बात करते संविधान का? शर्म आना चाहिए भाई, आप लोग को शर्म आना चाहिए जो संविधान असंविधान का बात कर रहे हैं। खुद तो देखिए पहले कि आप संवैधानिक है कि नहीं है, फिर आप दूसरों को आके, एक स्टूडेंट को आके ट्रोल करेंगे, बोलेंगे कि ये असंवैधानिक है।
और बहुत किसी को बहुत किसी से सुनने में आ रहा, बहुत कोई इधर उधर बोल रहे हैं कि बेबी माँ तो डर के मारे घर से भागी। अरे भाई, अगर इतना ही मुझे डर रहता ना तो मैं जाके विधानसभा के बाहर दहाड़ के नहीं आती यहाँ घर। क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा, ले जाके जेल में बंद कर दोगे? कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर दो मुझे बंद, उसके बाद देख लेना कि क्या हो जाता है। किसी है किसी में हिम्मत तो बंद करके दिखाओ मुझे जेल में। और डर रहता तो मैं जाके वहां बोलती नहीं, और डर रहता तो मैं खुलेआम घूमती नहीं। नहीं है मुझे डर। क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा? मार दोगे, हो जाएंगे शहीद। अगर एक किसी का मरने से, एक किसी का शहीद हो जाने से अगर पूरे झारखंड के स्टूडेंट का हित होगा तो मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट का सपोर्ट है मुझे, पूरे झारखंड का सपोर्ट है मुझे। आप लोग बोल के क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों को अगर लगता है कि मैं डर रही हूँ, भाग रही हूँ, छुप रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग आइए मेरा घर और देखिए हमको, मैं एकदम सुरक्षित अपने घर में हंसते खेलते पहले जैसे रहती थी वैसे ही हूँ और वैसे ही रहूंगी। अभी आप लोग एक बेटी को देखे ना, एक बेटी को आप लोग देखे दहाड़ते हुए, ऐसे हजारों बेटियां निकलेगी। कितनों को रोकोगे आप लोग, कितनों को ट्रोल करोगे आप लोग? हजारों बेटा और बेटियां निकलेगी, कितनों को ट्रोल करोगे? इसीलिए ट्रोल करना बंद करो। ट्रोल करना है तो जाके उससे ट्रोल करो, सरकार को कहो कि सरकार अपना झारखंड के हित में क्यों नहीं काम कर रहा, अपना झारखंड के हित में क्यों नीति नहीं बना रहा। वोट से पहले तो बड़ा एकदम बड़का बड़का वाला बात करता था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बीत गए 4 साल, क्या कर दिया उन्होंने? स्टूडेंट के लिए नीति नहीं बना पाया, झारखंड के लिए कोई नीति नहीं बना पाया। झारखंड अलग होके कितना साल हुआ, क्या इसी के लिए झारखंड अलग हुआ था? वीर शहीद निर्मल महतो, इतना बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, ये लोग इसी के लिए शहीद हुए थे? इसी दिन के लिए कि झारखंड में आके सब घुसे यहाँ पर? और फिर अभी बात करते हो मेरा असंवैधानिक का, शर्म आना चाहिए जो बात करते असंवैधानिक, कि हम असंवैधानिक बोल दिए। जाके उनसे कहो ना जो असंवैधानिक काम किए, जितने स्टूडेंट मासूम होते हैं, क्या गलती किया उन्होंने जो उन्हें इस तरह से मार दिया गया, इस तरह से मारा, इतना मारा उन लोगों को, स्टूडेंट को, क्या कसूर था उन लोगों का, क्या गलती था, इसका जवाब दीजिए मुझे। क्या गलती था उन लोगों को, क्यों मारे, लाइट ऑफ करके घेर के क्यों मारे, इसका जवाब चाहिए मुझे। दे सकते हैं जवाब? नेता नहीं है सर, नेता लोग तो विधानसभा भीतर बैठा है, जिसको आप लोग अगर नहीं देख सकते ना तो बोला भी मत कीजिए। हम लोग इतना दूर में, सरकार से जाके बोलिए। बावजूद आप लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं, आपको गैस सर पर गोली मार रहे हैं, क्या है सर ये बताइए? देखिए हो जाएगी भाई, सब बेटी ऐसे हो जाएगी, धीरे धीरे सब बढ़ेगी, सब अभी जागरूक हो रही है। और जितनी भी लड़कियां हैं, जितने कोई यहां देख रहे हैं इस लाइव को, और जो नहीं भी देखेंगे, बाद में भी देखेंगे इसको, तो उनसे सबसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर उस जगह पे 4,000-5,000 भाइयों लड़कों के बीच अगर कम से कम 40-50 भी लड़कियां होती ना, तो आज हमारे भाइयों को इस तरह बुरी तरह से नहीं पीटा जाता। और हम लोग, आप सब जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, आप सब भी जागिए, निकलिए, अपना हक अधिकार के लिए लड़िए। अगर नहीं लड़िएगा तो अभी इतना बदतर स्थिति है तो सोच लीजिए बाद में क्या होगा, आने वाला पीढ़ी में क्या होगा। मीडिया बंधुओं के माध्यम से देश राज की जनता, आने वाला पीढ़ी में तो ये लोग ना जीने देगा ना मरने देगा, इतना पता नहीं ये लोग राक्षस है कि क्या इंसान है कि हैवान है, समझ में नहीं आता है। मतलब ये लोग को जरा सा भी दर्द नहीं होता कि अपना झारखंड के बेटों को इस तरह बेरहमी से हम लोग पीटे, जरा सा भी लोग का दिल में दर्द नहीं होता है। और आता अभी बड़ा आया अभी संविधान का बात करने के लिए, नीलांबर पीतांबर शेख भिखारी का शहादत इस राज्य ने क्यों लिया है, इसीलिए कि अन्य राज्यों के लोग यहाँ नौकरियों को करेंगे। और आप देख सकते हैं सब एकदम एक एक करके पोस्ट कर रहा जेएमएम वाला लोग कि एफआईआर होना चाहिए, बेबी महतो पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। आंसू केस छोड़ने का काम किया है, रबड़ गोली भी। अरे एफआईआर दर्ज उन पे भी करो ना जो इतना जुल्म किया है, जो इतना सारा असंवैधानिक किया है काम, उन पे भी एफआईआर दर्ज करो, फिर बेबी महतो का करना। बेबी महतो नहीं रुकेगी, उनका करो फिर बेबी महतो का एफआईआर दर्ज कर लेना।